नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं काविद्र चौहान और सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। हम किस सदी में जी रहे हैं, 2021 में जी रहे हैं या फिर 90 के दशक में जी रहे हैं? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर का हाल दरअसल पूरी तरह से बेहाल है। वही तस्वीरें एक बार फिर सामने आने लगी हैं। कुछ साल पहले एक उम्मीद जगाई गई थी कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ बदलने वाला है, वो देश का अभिन्न अंग है। ऐसे में देश के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में जो कुछ है वही जम्मू कश्मीर में होगा। तो लोग वहां नौकरी करने जाने लगे, लोगों ने वहां पर जमीन खरीदने की भी कोशिशें की, लेकिन एक बार फिर इस्लामिक जिहाद ने यह चीज साफ कर दी है कि जरा रुकिए, यहां पर अभी सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या जम्मू कश्मीर में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है? और अगर बात सीधे कश्मीर की जाए तो क्या अभी भी हिंदुओं को वहां रहने की इजाजत नहीं है? क्योंकि अगर पिछले हफ्ते की बात करूं, पूरे हफ्ते में 5 मौतें, 5 लोगों को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। उन लोगों को सीधे तौर पर यह मैसेज दिया गया कि अभी हिंदुओं को यहां पर रहने की इजाजत, दरअसल ये कट्टरवादी लोग, ये जिहादी लोग अभी नहीं दे रहे हैं। तो क्या कश्मीर में अभी भी रहना मुमकिन नहीं है? क्या कश्मीर अभी भी 90 के उस दशक को भूल नहीं सका है? क्या अभी भी कोई हिंदू अगर वहां रहता है तो पहले इस्लामिक कट्टरपंथियों से इसकी इजाजत लेनी होगी? और इसके साथ ही सवाल यह भी है कि अगर लखीमपुर खीरी पर्यटन का स्थल है, अगर सियासत का एक ऐसा मंसूबा वहां से तैयार किया जा सकता है, तो आखिर क्यों विपक्षी दल के नेताओं को लखीमपुर खीरी की तरह ही कश्मीर नहीं दिखता? आखिर देश पर सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी कांग्रेस को कश्मीर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहां वोटों की वर्षा नहीं है इसलिए नहीं दिखता या किस लिए नहीं दिखता? इसके साथ ही सवाल बीजेपी पर भी है कि 2019 में जो कुछ कहा गया था, जो कुछ जनता को बताया गया था, क्या वो कुछ डिलीवर हो सका है? चीजें तो वहीं की वहीं हैं। अभी भी वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का राज है, अभी भी किसी की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अगर वहां पर शिक्षकों की बात करेंगे, शिक्षा की आप बात करेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। अगर आप वो ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप यहीं पर रहेंगे, उससे क्या मतलब कि आप एक ब्राह्मण हैं, आपको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। तो ऐसे में अगर गोली ही खानी है अभी भी और तब भी, तो ऐसे में सरकार ने क्या ही बदला था? और जो कुछ बदला था अगर नहीं बदला तो फिर शाबाशी किस बात की? इसी पर आज चर्चा करेंगे, इसी पर आज बहस करेंगे कि आखिर कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आखिर कब तक चलेगा, और कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसको लेकर ये विपक्षी पार्टियां, उसको लेकर देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस ने एक लाइन में भी ट्वीट करना मुनासिब क्यों नहीं समझा? राहुल गांधी ने सिर्फ ट्वीट करके अनिवार्यता को खत्म क्यों कर दिया? और आखिर कांग्रेस ने ट्वीट करना भी जरूरी क्यों नहीं समझा? ये इसलिए है क्योंकि अगर किसी मुसलमान को पत्थरबाजी के मामले में जेल हो जाती है तो इन लोगों के पेटों पर मरोड़ पैदा हो जाती है और यूएन तक इसकी चर्चा होती है, यूएन तक इस कहानी को, इस खबर को ले जाने की बात की जाती है। लेकिन आज जब देश के अंदर लगातार एक हफ्ते के अंदर की बात करूं, 5 लोगों की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई, तो आखिर इनके मनों में हलचल क्यों नहीं पैदा हुई? आपको बता दूं कि पहले जात पूछी गई, धर्म पूछा गया कि आखिर किस धर्म से हैं। अगर आप हिंदू निकले तो गोली पड़ी, अगर आप हिंदू नहीं थे तो बचने की जगह थी, लेकिन अगर सिख निकल गए तो भी आपको मौत की गोली ही खानी पड़ी। या फिर ये कहें कि अगर आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो आपको छोड़ दिया जा सकता है। तो कश्मीर पर क्या एक धर्म विशेष का राज है? क्या कश्मीर पर आज भी कट्टरपंथियों का कब्जा है? क्या कश्मीर आज भी उस मानसिक गुलामी से नहीं निकल सका है? इसी पर चर्चा है आज। लेकिन उससे पहले एक और शब्द, एक और वाक्य मैं कहना चाहूंगा कि आखिर कब तक कश्मीर को छुड़ाने के एवज में हम ये सब खोते रहेंगे? कि आखिर कब तक कश्मीर में ये सब कुछ होता रहेगा? हुर्रियत की बात करते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं, लेकिन वो सारी हुर्रियत, सारी कश्मीरियत कहां चली जाती है? जब हिंदुओं पर हमला होता है, हिंदुओं के घरों को उजाड़ दिया जाता है, जब हिंदुओं को गोली मारी जाती है, आखिर कब तक इस बात को दबाते रहेंगे? आखिर कब तक इन खबरों को कहीं भी जगह नहीं मिल सकेगी? आखिर कब तक
कश्मीर में यह सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि कश्मीर में जो ये सियासी खीर बनाई जाती है इसमें कई हिंदुओं का खून मिला दिया जाता है और ऐसी खीर को वहां के नेता पसंद करते हैं। लेकिन जो देश में सेंटर में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि कश्मीर में अब हालात सुधरने लगे हैं, तो अगर ये सुधरते हुए हालात हैं तो बिगड़े हुए हालात क्या थे, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि बिगड़े हालात और सुधरे हालातों में आखिर बदला तो फिर क्या बदला, और अगर यही बदलते नए कश्मीर की तस्वीरें हैं तो आखिर यह तस्वीर किसको पसंद आ रही है। क्योंकि अगर कश्मीर बदलने के लिए आगे बढ़ता है, अगर कश्मीर बदलाव लाने की कोशिशें करता है, अगर कश्मीर को भारत का अभिन्न मांगते हुए हम वहां पर वही सब चीजें मुहैया कराने की कोशिश करते हैं जो अन्य राज्यों को मिलता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो आखिर इससे किसको परेशानी है? आखिर क्यों कट्टरपंथियों को आज भी कश्मीर अपनी बपौती लगता है? और ऐसे में क्या कब तक इसी तरह से गोली मारो हथकंडा जो है वो लोग चलाते रहेंगे? आखिर कब तक जिहाद की पाठशाला ही वहां पर चलती रहेगी? आखिर कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त किया जाएगा? और आखिर कब तक सियासत इससे आंख मूंद कर रखेगी? आखिर कब तक देश में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी, सीधे तौर पर कहूं तो कांग्रेस, इससे पीछा छुटाने की कोशिश करती रहेगी? और बीजेपी आखिर कब तक मुंगेरी लाल के सपने दिखाता रहेगा? आखिर कब तक वहां पर जो पार्टियां राज कर रही हैं, जिन सियासतदानों ने वहां पर सियासत का भोग चखा है, वो क्यों आज सड़कों पर नहीं है? उन्हें क्यों परेशानी नहीं लगती? उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये तो आम बात है, आम चर्चा का विषय है? आखिर हिंदुओं को गोली मारा जाना कैसे आम हो सकता है? इसी सब पर चर्चा करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनसे आपका तारुफ करा देता हूं। विजय खैरा साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। पिंकी चौधरी साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा दल से। मुफ्ती समूम साहब हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय खैरा साहब। विजय खैरा साहब, क्या ही बदला है? कुछ भी तो नहीं बदला है। 2019 को 5 अगस्त को जो कुछ आपने दिखाने की कोशिश की, आपने बदलाव की बात की, क्या ही बदला? सब कुछ तो वही है। पहले भी यही हत्याएं होती थी, अभी भी वही हत्याएं होती हैं। क्या बदला है? जो आपने कहा था, जो आपने सपने दिखाए थे कि कश्मीर बदल चुका है, कश्मीरियत की बात होगी, लाल चौक पर झंडा फहराया गया है, क्या है ये सब? ये सपना है तो कौन सा सपना है? मुंगेरी लाल का सपना है? देखिए, बदला तो बहुत कुछ है। राजनीतिक लोग कुछ भी बोले आज, कोई एक अलग बात है। याद करिएगा, लगभग 25-26 साल हो गए जब वहां से गैर मुस्लिम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। यानी पूरे कश्मीर में हिंदू, सिख, ईसाई या कोई अन्य धर्म के लोग, सिवाय इस्लाम धर्म के लोगों के अलावा कोई नहीं बचा था कश्मीर में। सारे घर लूट लिए गए थे, सबको भगा दिया गया था। इसको हुए लगभग 25 साल हो गए। 25 साल के अंदर उन लोगों ने जो जो हालात किए, पिछली सरकारों में रोजाना आर्मी और पुलिस के रोज मरते थे। सिविलियन तो बचे ही नहीं थे, तो मरने का सवाल कम ही था। सिविलियन तो जितने थे, मैं हिंदू सिविलियन की बात कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम की, सबके सब निकाल दिए गए थे कश्मीर से, एक नहीं बचा था। उनके घर लूट लिए गए थे। वो 25 साल ये होता रहा। 25 साल तक आर्मी के लोग मरते रहे, बंदूक पुलिस को उठाने नहीं दी, पत्थरों से लोगों को मार डाला जाता था, पिटते थे। आपने वो हालात देखे होंगे, हालात तो आज भी देखे होंगे, हालात तो आज भी देख रहे हैं। आज भी तो वही सब कुछ है। जान बचाने के लिए आज वो स्थिति नहीं है। रहा ये कि बीच में जो दुखद घटनाएं हो रही है, ये बेशक दुखदायी घटनाएं हैं, लेकिन अगर ये आतंकवादी जो 25 साल से कब्जा बना के अपना किला वहां बना के बैठे थे, और स्थानीय लोग उनके डरों के डर से, बहुत सारे लोग उनके मर्जी मुताबिक काम करते थे, उनको शरण देते थे, नहीं तो उन्हीं के बच्चों को मार देते थे, उन्हीं के घर से गोलियां चलाते थे, वही छुप जाते थे, वो हालात नहीं है। उन 25 सालों की बात अभी 2-3 साल में, 3 से 70 के बाद, अगर आप कोई समझता है 25 साल का किला हम वहाँ गोली नहीं चला सकते, हम वहाँ पर निर्दोष लोगों को नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं विजय खैरा साहब? 2 दिन के अंतराल के अंदर 5 लोगों की हत्या कर दी गई, और आप वो 90 के दशक की बातें कर रहे हैं? 2 दिन के अंतराल में 5 लोगों की हत्या कर दी गई, हिंदू भी थे, सिख भी थे, उनसे नाम पूछे गए, आईडी कार्ड देखे गए और उनकी हत्या कर दी गई, इस पर चर्चा है। आप कृपा करके पिछले 25 साल का इतिहास देखिएगा, कितने हिंदुओं को रेप किया। मैं वो इतिहास देखूंगा नहीं देखूंगा, लेकिन मैं आज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तस्वीर दिखती है या नहीं? खून डाला गया, इतना सब रुक गया,
फिर वो घटनाएं जो लोग जमे हुए बैठे हैं जगह ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, तो हम निर्दोष कश्मीरों को तो गोली नहीं चला सकते चाहे वो किसी समुदाय के हो, उनको बचा के ही हमको करना होगा। 30 से 70 के बाद हालात इतने अधिक सुधरे हैं, शिवसेना के कहने से सिर्फ इसलिए कि इसलिए कांग्रेस के दबाव में और शरद पवार के दबाव में जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि कश्मीर में आपकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है, आपकी जो रणनीति है वो काम नहीं कर रही? क्योंकि जैसे ही लोग वहां पर जाना शुरू होते हैं वैसे ही ये खबरें जो आ रही है, इससे तो लोगों के मन में डर बैठ गया है। अब तो कोई भी कश्मीर नहीं जाना चाहता। कई लोगों की पता चला जो टूरिस्ट के रूप में वहां जाना चाहते थे उन्होंने अपनी यात्राएं कैंसिल कराई हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर कास्ट मीडिया अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निभाए, हम आपसे भी कह रहे हैं उन 25 साल से आप इन 3 सालों का मुकाबला कर रहे हैं, हम 25 साल में जो हुआ उसको आप चाहते हैं 2 साल के अंदर मिटा दें क्या? घरों पे गोलियां चला दें लोगों के ऊपर, कल ये हो सकता है, तो ये नहीं होगा। एक निर्दोष भी नहीं मारने देंगे हम, मारेंगे नहीं, ना आर्मी वालों को मारने देंगे ना पुलिस को, उनको भी रक्षा करना है, लेकिन उनके घरों में घुसे हुए हैं लोग, जरा आप स्थिति समझने का प्रयास कीजिएगा। 30 से 70 के बाद कितने हालात सुधरे हैं, जा रहे हैं लोग आ रहे हैं। अगर ये हालात सुधरे हैं तो क्या सुधरे हैं, इसी पर तो चर्चा है। अगर आप कह रहे हैं कि हालात सुधरे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हालात सुधरे हैं तो ये कैसे सुधरे हैं? ये सुधरे हालात अगर हैं तो बिगड़े हालात क्या थे? जो पुराने मुख्यमंत्री थे जब वो खुद इस तरह से पनाह दे रहे हैं लोगों को, जब महुआ मुफ्ती खुद लोगों को बहका रही हो और उनके लिए बोल रही हो कि हमें भले पाकिस्तान का साथ देना पड़े, अब्दुल्ला बोल रहे हैं भले हमें चीन का साथ देना पड़े लेकिन हमको 370 मिटाना है, ये सब हालातों में आप बात कर रहे हैं कि सुधारे नहीं है। 370 हटाकर क्या मिला? अगर यही तस्वीरें हैं, अगर यही तस्वीरें देखनी थी तो 370 हटाकर क्या मिला? आपने तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, टेररिज्म डाउन हो जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, पत्थरबाजी खत्म होगी, अमन चैन शांति स्थापित होगी। अगर यही सब कुछ मिलना था तो हटाया क्यों? पहले जैसे हो जाएंगे तो रोजाना 100 लोग मरेंगे, 50 लोग मरेंगे। अच्छा, 5 लोग कम है, कोई नहीं बचेगा, धीरे से एक दिन कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा। 5 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं, जिस तरह लोग मिले हुए थे। आपको आपको पता है कि 5 लोगों की जो जान गई है उससे क्या मैसेज गया है पूरे देश में? लोग अब कश्मीर जाने से फिर से वही हालात है, कतरा रहे, बिल्कुल लोग जाना पसंद नहीं कर रहे कश्मीर, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर अभी भी आतंक का राज है। ये जो हुआ है, आप उस बात को इससे कंपेयर ना कीजिएगा, ये कह के वो 5 घटनाएं क्या, एक भी मरता है तो दुखद होता है, और जो इस तरह से मारा जाए आतंकवादी जब घरों में छिपे हुए, आप जरा स्थिति समझिए ना, वहां के लोगों को गोली लगा के घर में छिपे रहते हैं और फिर आके मार के चले जाते हैं, उन स्थितियों को जो 20 साल से थे घर से, घर पे जो छिपे हुए उन्हें पकड़ने का निशानदेही का काम किसका है? वो जो घरों में छिपे हुए हैं, वो जो घरों में छिपे हुए हैं, वो जो घरों में छिपे हुए हैं, सुन लीजिए ना, आज बड़ा सेंसिटिव मैटर है, आप इस तरह कह के नहीं जा सकते। आप ये सुनिए पहले, आप ये कह के नहीं जा सकते 5 मतों से ऐसा हो गया है। अब सुनिए, वो हजारों गरमाइए नहीं, मामला गरम है, गरमाइए नहीं, मामला गरम है। मेरे को ये बताइए, नहीं 90 की दशक की डिबेट करने नहीं बैठा हूं यहाँ पर, आपसे आज की बात करूंगा। अगर यही सब बदलना था तो बदला क्या? उसको भी दिखाइए, एक तरफा बात मत करिए, वो बातें सुनिए जो 25-20 साल 27 साल में हुई है, जो घटना है, जिस दिन रोज 100 लोग मरते थे, रोज सिपाही मरते थे, आर्मी वाले मरते थे घर से। 2014 के बाद की बात करूंगा आपसे, पहले की बात क्यों करूंगा? 2014 के बाद की बात कर रहा हूं। बुरहान वानी मरा, चीजें बहुत ज्यादा टेंस हो गई, 370 हटाया, खूब हो अल्लाह किया आपने, शाबाशी लूटी, लेकिन उसके बाद भी क्या कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, आतंक का राज अभी भी है। कुछ नहीं बदला, हम तो प्रमाण कर रहे हैं बदला। आपका ये बात के लिए मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बाकी तो बहस बाद में करूंगा, पहले आपसे ही करूंगा। आप कह रहे कुछ नहीं बदला, आप क्या कह रहे कुछ नहीं बदला? आप 27 साल में जो हुआ था और 2 साल में भी कुछ नहीं बदला, क्या बदला, क्या बदला? लोग अभी भी जाने से वहां डर रहे हैं, लोग कश्मीर में जाना पसंद नहीं करते। आप क्या उनको वहां पर जमीन लेने के लिए आप उनको खोल रहे हैं? क्या चीज है? लोग क्या व्यापार करेंगे? क्या वहां पर जाकर अपना काम धाम धंधा देखेंगे जब वहां पर इस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है? आपको लगता है कोई भी हिंदू वहां पर सुरक्षित महसूस करेगा? दिन का 1 साल का भी, तब आप कहेंगे कि बहुत कुछ बदल गया है, देश को बचा लिया, कश्मीर को बंटने से बचा लिया, रोज लाखों मौतें होती, साल में कितनी मौतें हो गई है, मतलब ये 5 मौतें साधारण है आपके लिए। मुकाबला कर रहे हैं आज की स्थिति से, बदला है, लेकिन ये बात जरूर है जो हमें उम्मीद थी, जो हम करना चाह रहे थे, उतना नहीं हुआ लेकिन हो रहा है, बदला तो बहुत कुछ है। मतलब कुल जमा बात ये है कि 5 लोगों की मौत आपके लिए साधारण सी बात है? आपके लिए साधारण होगी, मेरे लिए नहीं, आपके लिए है साधारण, इसलिए आप छुपा रहे हैं उसको।
मैं छुपा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। अगर कोई आतंकी वहां पर धर्म पूछकर गोली मार देता है तो हिंदू सुरक्षित नहीं है। आपने क्या किया ना, हमने तो पाकिस्तान में घुस के मारा था, हमने आतंकियों को निपटा दिया। पाकिस्तान में घुस के मारा था तो क्या अभी भी लड्डू बांटे, क्या करे उसका? सुनिए मेरी बात, लेकिन आप कह रहे कुछ नहीं बदला, और ये भी कह रहे साथ में हमारे लिए बहुत साधारण है, हम रोके बात कर रहे हैं आपसे, आप हमको देख सकते हैं हम लोगों के अंदर क्या इंग्लिश है इस समय। आप कह रहे हैं कि हमें साधारण है, कैसे कह दिया आपने? ठीक है, मुझे ये बताइए कि पांच लोगों की हत्या हुई है, उनमें से दो लोगों का धर्म पूछ कर गोली मारी गई। गैरवाजिब शब्द आपने इस्तेमाल किया है, अगर ये हमसे विरोधी बोलते तो हम समझ सकते थे, बातचीत बहस कर सकते थे, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन साधारण मत बोलिए, हमारे लिए साधारण है। ठीक है, ये बताइए, दो लोगों का धर्म पूछकर गोली मार दी गई, दो लोगों का धर्म पूछकर गोली मार दी गई, विजय खैरा साहब, दो लोगों का धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, तो ऐसे में कैसे हिंदू सुरक्षित है वहां पर? जब जब गोली मारी गई है तब तक उनका उनका बदला लिया है, आपके सामने तो है। अब जैसे राजीव गांधी की डेथ है, आदमी मौत पर खेल के आया था और निपट के उनसे मर गया, दुखदाई है, लेकिन ऐसे लोगों से इस समय निपटना पड़ रहा है और इस समय उनका एंग्विश चल रहा है, ऊपर से पुराने मुख्यमंत्री उनको उनको सह दे रहे हैं। इन हालातों में आप समझिए सरकार ने कितनी मेहनत की है इसमें, हमारी आर्मी ने कितना काम किया है इसके ऊपर, लेकिन ये दर्दनाक मौतें जो हुई है इसी के ऊपर रात दिन अभी चर्चा हो रही है, इसी के ऊपर बैठे हुए हैं, और इसका भी बदला लेंगे। जब हमने उसका बदला ले लिया था, जब उसमें घुस के मारा है, जब हवाई जहाज मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, तो क्या छोड़ेंगे उनको? लेकिन हजारों में आतंकवादी है, हम निर्दोषों को नहीं मार सकते, ये इसकी कसम खाई हुई है, निर्दोषों को नहीं मार बिल्कुल सकते। किसी तरह निर्दोष ना मरने पाओ, खाली आतंकवाद अभी घेर के आपको मिल जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही, अभी तक हर एक पर हुई है, जितनी घटनाएं हुई है सबका बदला लिया, सबको मारा गया है, अनगिनत उनके हेड और मुखिया मारे हैं हमने आतंकवादियों के, आपके सामने है, साधारण नहीं है हमारे लिए, हम बहुत दुखदाई है ये, लेकिन उसका बदला लेंगे हम उनको, आतंकवाद को खत्म करके ही। नहीं, विजय खैरा साहब, मेरा विजय खैरा साहब, मेरा सीधा सवाल ये था कि जिस तरीके से जब 370 हटाई गई, 35A हटाई गई, तब ये कहा गया था कि टेररिज्म पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा, क्रैक डाउन करेंगे हम, इसको खत्म करेंगे, तो कहां परेशानी आ रही है? क्या ये आपको आपको अगर हो सकता है हम याद दिलाएं तब याद आए, आपको वो दिन याद है क्या जब 370 थी? आपको वो दिन याद है क्या? याद है मुझे, बुरहानवानी की हत्या की, बुरहानवानी का एनकाउंटर किया गया था, इसके बाद चीजें कितनी खराब हो गई थी, कितने लोगों की हत्या हुई वहां पर, कितने लोगों की मौत हुई, सब याद है। अब सुन लो, लेकिन आपको वो दिन याद है क्या कि कश्मीरी औरतें कितनी रोई हैं, कितने घरों में आग लगा के मार दिया गया? आपको वो दिन याद है क्या कितने लोगों की लड़कियों को रेप कर दिया गया? आपको वो दिन याद है कि जहां पे उनको साथिया दिखता था, हिंदू मूर्ति दिखती थी, घर के घर लूट लिए गए? वो दिन आप भूल जाते हैं और आज के उससे तुलना कर रहे हैं, आज ये सब नहीं है। 370 की वापसी में लोगों के घर उनके नाम कर दिए गए, मुख्यमंत्रियों ने ऐसे आदेश कर दिए गए, उनकी जमीनें कर दी गई, सारे मुसलमानों के नाम, वहां के आतंकवादियों के नाम, कैसे कैसे कहां कहां में निपटना है, लोगों को बचाते हुए उन लोगों से जो गद्दारी कर रहे हैं उनसे भी निपटना है, उन राजनीतिक लोगों से जो उनको शह दे रहे हैं उनसे भी निपटना है, उन आतंकवादियों को पाकिस्तान से हथियार मिल रहे हैं उनसे भी निपटना है। चलिए, आप समझ रहे हैं कि 27 साल की बात 2 साल में ठीक हो जाएगी और फिर आप कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं हुआ? माफ कीजिएगा, बहुत कुछ हुआ है और इसका भी हो जाएगा बदला, आप देखिए। ठीक है। अब मैं मुफ्ती शमूम साहब के पास आऊंगा। शमूम साहब, ये कौन सी सोच है, ये कौन सी विचारधारा है जिसको लेकर कश्मीर में वो दहशतगर्दी खत्म ही नहीं हो रही है, वो आतंकवाद खत्म ही नहीं हो रहा है? आज भी अगर हिंदुओं को इस तरीके से, यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं, टर्म यूज कर रहा हूं, आज भी अगर गैर इस्लामी लोगों को, हिंदुओं की बात करूंगा सीधे तौर पर, तो हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, इन लोगों का इलाज क्या है? हाँ देखिए, ये कौन से धर्म के लोग हैं, मैं सीधे तौर पर ये पूछा था चाहूंगा। मैं वही आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं निंदा करता हूँ इस बात की कि जो इन कायरों ने जो हमारे बहनों और भाइयों की हत्या की है, हमारे दो दो खून के रिश्ते हैं। मैं आपको और इसकी भी मैं निंदा करता हूँ, ये इस्लाम का इनसे कोई भी ताल्लुक नहीं। अरे कब तक हम लोग इस चादर के पीछे अपने आप को छिपाते रहेंगे कि इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है? वो चुन चुन कर पूछ रहे हैं कि इस्लाम हो तो ठीक, नहीं हो तो गोली। हम लोग कब तक इस पर पर्देदारी करते रहेंगे? अरे मैं वही आपसे, मेरी सारी बात आ जाएगी, मुझे 2 मिनट सिर्फ जो है
सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मेरी सारी बात आ जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, मेरा संदेश जो है सीधा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तमाम संसार बड़े उसके साथ जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब, रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा, आपका आपका वीडियो नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं आपसे चौहान साहब, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से जब आपने ये कहा तो मैं एक शुरुआत करता हूँ। अभी हमने 25 तारीख को एक प्रोग्राम किया उत्तराखंड में, और हमने ये कहा वहां के उत्तराखंड देवभूमि, तो हमने कहा देव यानी फरिश्तों की जगह। उस फरिश्तों की जगह पर जो है वो असुर ताकतें आ गई, हमने उन्हें भगाना है, उन्हें कमजोर करना है। तो माननीय इंद्रेश जी, जिन्होंने जो पिछले 30-40 वर्षों से काम कर रहे हैं, और उन्होंने उन्होंने इतना बड़ा एक संगठन खड़ा कर दिया है कि वो जितनी भी ऐसी ताकतें हैं वो कमजोर होती जा रही। अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ कि जब हमने ये प्रोग्राम किया तो उसमें हमारे एक बड़े विद्वान है ख्वाजा इफ्तिखार साहब, उन्होंने किताब लिखी है मीटिंग ऑफ माइंड, और इंद्रेश जी ने उसे खूब फैलाया पूरे देश के अंदर। अब मैं आपको एक 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 जिक्र करना चाहता हूँ कहें का। हम 2016 में जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था, मैं स्वयं सिविल सोसाइटी का एक मेंबर होने के नाते होम मिनिस्ट्री से कुछ लोग गए थे, मैं भी उनमें से एक था। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाम को या इन चीजों को इस्तेमाल किया है। मैंने वहां से आने के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी उस वक्त होम मिनिस्टर थे, एक बात मैंने कही कि ये तीन परिवार, आप जरा गौर से सुनिएगा चौहान साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कहिए। ये तीन परिवार यानी एनसी, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती, मैंने ये बात कही थी कि ये तीनों परिवार जो है इन्होंने वहां के नौजवानों को मुख्य धारा से काटा है। और आपको ये मैं बता दूं कि 1987 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उसमें इसी कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के सपोर्ट से जो है फारूक अब्दुल्ला के फिनिशर थे, इन्होंने उन्हें जीतों को हराया और उन्हें मुख्य धारा से काट करके उनके हाथों में हथियार थमा दिए। मैं आज आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने लौटने के बाद ये कहा था कि जो पॉलिटिकल जो हमारी पहल होनी चाहिए, जिसे हमारे अभी माननीय हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी पहुंचे हैं, उन्होंने बहुत, मैं आपको ये कहना चाहूंगा जो अभी खैर साहब ने जो बात कही है, आप उनकी बात को कृपया जरा गहराई से समझने का प्रयास करिए। इतना काम हुआ है कि जो पहले वहां हालात थे वाकई वैसे हालात थे। मैं जब उसमें उस वक्त गया तो वहां बहुत सारे लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने बंदरों के हाथ को उत्तर दे दिए, और हमने उस वो नौजवान उस कश्मीर ठंडी जगह का उसके हाथों में, आपने कभी कोशिश करी, आपने कभी कोशिश की समूम साहब ठीक है, सारे काम करते रहे, ठीक है, मैं समझ गया। उन्होंने जो है आतंकवाद की तरफ धकेल दिया, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ठीक है, समझ गया आपकी बात। इस्लाम का या इस्लामिक सोच का कोई ताल्लुक उनसे नहीं है। क्या आपके आपकी सोच समझ, समूह साहब एक मिनट, क्या आपकी सोच समझ इतनी कमजोर है कि आप कह रहे हैं कि एक राजनेता ने, एक नेता ने आपको हथियार थमा दिए, एक नेता ने आपको ढकेल दिया, ये इतना आसान कैसे है? ऐसा है चौहान साहब, मैं आपसे 1-to-1 बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको देखो कामेंद्र चौहान, आप इस बात को नहीं जानते कि मैंने एक जुमला कहा, मैं वहां से आने के बाद मैंने यही रिपोर्ट दी थी कि इन तीनों लोगों ने उन्हें मुख्य धारा से काटा और उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, समूम साहब, शुरू किए हैं उसका फायदा आपको नजर आने लगा है। ठीक है, जो अभी हमारे विजय कह रहे थे उसका फायदा नजर आने लगा है। ठीक है, फायदे का क्या करें, उसकी तकिया बनवाएं। सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए समूम साहब, आप मेरी बात सुनिए। समूम साहब उपलब्धियों की बात नहीं हो रही है, भाषण नहीं है, रैली नहीं है, ठीक है, भाषण है, रैली नहीं हो रही है, उपलब्धियां नहीं गिनाने के लिए है। ये बताइए समूम साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, ऐसी कौन सी विचारधारा, कौन सी मानसिकता है जिसको इतनी आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है? आप कह रहे हैं नेता ने हथियार पकड़ा दिए, नेताओं ने ये, तो धर्म के नाम पर हथियार कैसे पकड़ लेते हैं, इतना आसान कैसे? एक बार मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखो चौहान साहब, 2014 में 15 में जब इलेक्शन हुआ तो मैं आपको ये बता दूं, आप वहां पूछ लीजिएगा जाकर के, मैं वहां गया, डोडा, हरिनगर और आपका कठुआ,
ये 5 MLA मेरी वहां रैली हुई, मैं आपको बता दूं, और वहां उन्होंने मुसलमानों को वोट नहीं दिया। हमने उनसे पूछा कि भाई ये तो बताओ, तुम्हारे पास स्कूल नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी जो है वो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो इत्तेफाक ये आपको मैं बताऊं, मैंने खड़े होकर मुसलमानों में कहा कि भाई आप मुझे जानते हो, उन्होंने कहा हाँ, आप अन्ना आंदोलन के अग्रणी लोगों में से हैं। तो हमने कहा अगर आपके काम इस मुसलमान वो अब्दुल मजीद मेमन थे वहां, जिन्हें डोडा से शक्ति परिहार ने हराया था, और आप जाकर के चौहान साहब उसका एनालाइज करिएगा। मैं आपको यहाँ आपके बड़े जिम्मेदारी के साथ टीवी पे कह रहा हूँ, जब हमने मुसलमानों से कहा कि इन्होंने तुम्हें क्या दिया, तुम्हें स्कूल नहीं दिए, तुम्हें इन्होंने स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिए, तो यकीन करिए पूछ लीजिएगा, अभी डोडा से आप फोन करके पूछ लीजिए, जसरोटिया जी यहाँ कठुआ में MLA है उनसे पूछ लीजिए, मुसलमानों की अक्सरियत ने वोट दिया। चलिए ठीक है, चलिए पिंकी चौधरी साहब भी हैं, ठीक है शमूम साहब, पिंकी चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, ठीक है पिंकी चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, पिंकी चौधरी साहब, शमूम साहब, ठीक है ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बैठे हैं साथ में, अभी चर्चा चली रही है, ठीक है रुकिए, गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है आपकी पूरी बात में समझ गया। पिंकी चौधरी साहब, शमूम साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आप इसको धर्म के चश्मे से देखें, किसी भी चश्मे से देखें, कैसे भी देखें, उनका कहना है कि ये सब सियासत है, कुछ नेता हैं जो वहां के लड़कों को बरगला रहे हैं, ये सब सियासत का दीन है, सब सियासत का दिया हुआ है, तो ये सियासत का दिया हुआ उनका सीधा आरोप है, उनका बाकी हर आरोप से वो बिल्कुल खंडित कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं। एक तो सभी भाइयों को मैं जय श्री राम करता हूं, और चौहान साहब मैं सीधी एक बात बता रहा हूं जी, जो इनकी कुरान में लिखा है ये कुरान के हिसाब से बिल्कुल विधिवत ठीक चल रहे हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है नॉन मुस्लिम काफिर, और काफिर इस धरती पर नहीं रह सकता। ये तो राजनीति और नेतागिरी जो कर रहे हैं, और इनकी करनी और कथनी में जो अंतर है उसी में ही आज से 90 के दशक में जिस समय कश्मीरी पंडित सबको मार के और बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके और कितने निर्मम हत्या हमारे हिंदू भाइयों की हुई, हमारे सिख भाइयों की हुई, ये आप क्या पूरे देश ने देखा था। ठीक है, ये पूरे देश ने देखा था, और मैं आपसे क्या कहूं, आज भी क्या स्थिति है, आज भी स्कूल में जा करके एक पंक्ति लगा करके और नाम पूछ करके, नाम से भी उन्हें वो नहीं हुआ, आधार कार्ड देख करके हिंदू और सिखों को मारने का मतलब क्या है? शमूम साहब कह रहे हैं, ठीक है एक मिनट रुकिए पिंकी चौधरी साहब, शमूम साहब कह रहे हैं कि वो जो कुछ हुआ है वो दरअसल उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग दरअसल इस्लाम से लेना देना क्यों, नहीं नहीं आप मेरी बात समझिए, इस्लाम केवल और केवल कट्टरता और जेहादी वहशीपन ये सब चीजें सिखाता है, मेरी बात नहीं, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, ऐसे तो APG अब्दुल कलाम साहब भी हमारे देश में हुए, अब्दुल कलाम आजाद साहब भी हमारे देश में, ऐसे कैसे हो जाएगा, रेयर रेयर किसी चीज को आप देखेंगे तो आप आकलन नहीं कर पाएंगे। आप इस देश में जगह जगह जहां जेहादी मानसिकता के लोग बढ़े वहीं से हिंदू का पलायन हुआ। अच्छा, कभी आपने देखा है कि हिंदू ने किसी भी दूसरे समुदाय का पलायन किया हो तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूं, आप मुझे एक जगह से बताओ जहां से हिंदू ने मुसलमानों का पलायन कराया हो, हिंदू ने ईसाइयों का पलायन कराया हो, हिंदू ने सिखों का पलायन कराया हो, एक जगह बताओ। चलिए ठीक है, आपसे सवाल दरअसल अब यह है, मैं अब आपसे सवाल कर लेता हूं कि आपको बीजेपी की ही एक विंग की तरह समझा जाता है, बीजेपी के आप कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ाव रखते होंगे, ये बताइए बीजेपी ने 370 हटाने के बाद कहा था कि टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऊपरी बातें करते हैं रक्षा की बातें करते हैं, तो ऐसे में वो चीजें तो हुई नहीं, चीजें तो अभी भी वही हैं, अभी भी वहां पर धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है, चीजें वही नहीं है। एक बार विजय भाई, एक वही नहीं है, विजय जी एक सेकंड, मैं इनकी बात का उत्तर दूंगा, विजय जी एक सेकंड, आप चौहान साहब बताइए, चौहान साहब आप मुझे बताइए, जिस समय हम लोग ये चाह रहे थे कि वहां पर हिंदू जाए और हिंदू बसे, इन्होंने वो टारगेट करके मारे हैं, जो हिंदू यहां से गया है इन्होंने टारगेट करके मारा है, आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप इसे राजनीति के मामले से ना देखें, नहीं नहीं मैं डिफेंस के मामले से देख रहा हूं, हैं मैं रक्षा के मामले से देख रहा हूं,
आप रक्षा के मामले से, मैं भी कह रहा हूँ रक्षा के मामले से, आप देखें, आप ये देखें जो भी वहां जाकर के, जैसे हम अमरनाथ यात्रा गए, मैंने खुद अमरनाथ यात्रा में, मैं एक बस में बैठा हुआ था, हमारी गाड़ी से हमें हटाया गया और बस में हम बैठे थे, तो पथराव करने वाला कौन था? ठीक है पिंकी चौधरी साहब, आप मेरा सवाल एक बार फिर से समझिएगा पिंकी चौधरी साहब, वो रास्ते हमने खोले ही क्यों कि जहां पर पहले डर था, खतरा था, जान जाने का खतरा था, रास्ते खोल देने से क्या फर्क पड़ा? रास्ते तो खुल गए, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि रास्ते खुले, लोग जाने लगे, तो वहां पर अब गोली पड़ रही है, फायदा क्या हुआ रास्ते खोलने? ये आप प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग है, ये जिहादियों की, आतंकवादियों की प्लानिंग है। यहाँ एक भी हिंदू ना आए, जो हिंदू बचे हैं, जो सिख भाई बचे हैं, उन्हें टारगेट करके, मार करके उनमें इतनी दहशत कर दो कि ये घर भाग, ये लोग जो है यहां से भाग जाए। ये चाहते हैं इस्लाम के अलावा कोई भी इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी कुरान कह रही है भाई। ठीक है शमोन साहब, कुरान के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है शमोन साहब, इनका एक सीधा सीधा फंडा है, धरती पर अगर रहेगा तो इस्लाम रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। ठीक है शमोन साहब, इस पर थोड़ा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। शमोन साहब, पिंकी चौधरी साहब क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, पिंकी चौधरी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, आप इस ज्ञान के दौर में, अगर हम आपके भाई होते, अगर हम आपके भाई होते तो हिंदू का नाम देख के उसको मारा ना जाता, सिख का नाम देख कर उसको मारा ना जाता। पिंकी चौधरी सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे सगे भाई हो, कैसे इस दुनिया की के रचेता ने, इस संसार के रचेता ने जब दुनिया की रचना की है तो एक ही नर और नारी है, आदम और हव्वा। मैं तो ये कहता हूँ संसार का नहीं, आदम और हव्वा नहीं है, और आप ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है। आप लोग नहीं, आप लोग नाचते, आप पूरी सुन लीजिए मेरी बात, बोला नहीं मैं आपके बीच में, बोला नहीं, आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैं गलत बात नहीं सुनूंगा। आप लोग हमारे भाई हो, लेकिन आप लोग बहकावे में आते हो। अच्छा वेद पढ़ाए आपने? क्यों नहीं पढ़ा? जानते हो क्यों नहीं? अरे वेदांत जानते हो, वेदांत किसे कहते हैं? क्यों नहीं जानते भाई वेदांत किसे कहते हैं? आप ये सब मत करिए कि आप वेद जानते हैं, आप कुरान जानते हैं, वो सब मत करिए। सनातन का मतलब जानते हैं? सनातन का मतलब जानते हैं? जो सदा से सीधा चलाया हो, तो फिर आप फिर इस्लाम की बात तो कर रहे, जो आदि और अनंत, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अनंत नहीं है, वो है सनातन। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, ठीक है ठीक है। पिंकी चौधरी साहब, शमून साहब, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, आवाज क्लियर नहीं। शमून साहब एक बात बताइए, शमून साहब आप नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है पिंकी चौधरी साहब एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। शमून साहब ये बताइए, मीठी बातें ठीक है, अच्छी लगती हैं, हर किसी को अच्छी लगती है, गपगप हर कोई खाता है मीठी गोली, लेकिन ये बताइए, तालिबान ने जो कुछ किया अफगानिस्तान में, कट्टरपंथी थे, पूरे देश पर कब्जा कर लिया, उसके बाद भारत में भी इसी तरीके की कई बातें होने लगी, उठने लगी, चर्चा रही तालिबान को लेकर, बहुत चर्चा रही, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो दिखती है। देखो एक ही विचारधारा, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ चौहान साहब जी, आप बहुत विद्वान आदमी है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैंने, मेरे गुरु ने, पंडित आचार्य श्रीराम शर्मा को तो जानते हैं ना? नहीं नहीं, मैं एक मिनट, मेरी बात समझिए शमूम साहब, मेरी पूरी बात ले लीजिए, पूरी आप बात समझिए शमूम साहब पूरी बात समझिए। आप ये समझिए, ये जो डिबेट है ना, ये डिबेट है कि हिंदुओं को, सिखों को टारगेट करके मारा गया, उन्हें प्लानिंग ये की गई कि मार दो, इन्हें भगा दो यहाँ से, कश्मीर में एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए। ठीक है एक मिनट पिंकी चौधरी साहब, एक मिनट शमून साहब से मेरी पूरी बात हो जाने दिए। शमून साहब ये बताइए कब तक हम लोग सेक्युलरिज्म का जो ढोलक है उसको बजाते रहेंगे, जब अफगानिस्तान में तालिबान पूरे देश पर कब्जा कर लेगा, जब हमने क्या नहीं देखा, कितने मुस्लिम राष्ट्र बनाए गए, सब आपस में ही लड़कर जल गए, पूरा जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस्लामिक कंट्रीज जितनी, आपस में ही लड़ रही हैं। ठीक है, ऐसे में भारत में कश्मीर जो है, वहां पर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा कि एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म विशेष के लोगों को रहने नहीं देंगे, कब तक इस तरीके की विस्तारवादी सोच जो है वहां पर काम करती रहेगी? और इसको नहीं, इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको मैं सीधे बोलता हूं, इसको हम लोग डिप्लोमेटिक वे में बताते हुए, कहते हुए डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं इनका किसी धर्म से मतलब नहीं है, किसी धर्म विशेष से मतलब, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आप एक बार सुनिए, अगर आप बांग्लादेश में धर्म पूछकर गोली मारेंगे, आप हिंदुस्तान में कश्मीर में धर्म पूछकर गोली मारेंगे, ये कैसे चलेगा भाई, कब तक चलेगा? और कब तक आप लोग इसको सेकुलरिज्म के तहत ये कहते रहेंगे कि उनका तो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है?
जो आईएसआईएस है वो कहता है कि हम इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो उनका इस्लाम है या आपका इस्लाम है, कौन सा इस्लाम सच्चा है? अरे मैं आपसे वही बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए एक बात सुनिए, अभी अभी पिंकी भाई ने एक बात कही कि सनातन धर्म का मतलब आप समझते, मैंने कहा जो सदा से सीधा चलाया हो, मैंने उनकी बात को मैंने कहा जो सदा से सीधा चलाया हो। अब आप अगर इस्लाम और दूसरे धर्मों की बात करें, मैं तो वो बात ही नहीं करना चाह रहा, मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसानी नाते जो है हमारे, आप धर्मों को छोड़ दीजिए, अगर इंसानी नाते होते तो हिंदू को मारा ना जाता। अगर मैं उनका हवाला नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे एक बात सीधी कह रहा हूँ, हम कैसे सुधारेंगे, आप और हम बैठ के बात करेंगे। अगर एक अगर एक अगर एक अगर एक सुनिए शमूम साहब, अगर एक पत्थर मारने वाले को आर्मी पकड़ लेती है, अगर आर्मी दो लोगों को उठाती है इंटेलिजेंस के नाम पे पूछताछ करती है, तब तो आप यूएन तक पहुंच जाते हैं, तब इंसानी नाते मानवता ये शब्द आपके मुंह से नहीं आते, तब आपके शब्द से डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, कश्मीर में ये क्या कुछ चल रहा है, आप यूएन तक जाकर भाई आप एक बात बताइए, आप संदेश तो देना चाह रहे हैं, वो संदेश तो सुन लीजिए। मैंने अभी एक प्रोग्राम में ये कहा देहरादून में, जिसमें माननीय इंद्रेश जी थे, और ये बात कही कि जब अहमद शाह अब्दाली जब दिल्ली के अंदर आया था, तो क्या उसने हिंदू और मुसलमान औरतों में कहीं फर्क किया था क्या? शासक कोई भी हो, अगर इसके लिए कहा कि अगर माई होम इंडिया, मैं कसम खा के ये बात कह रहा हूँ, और मेरा यकीन करिए आप, जब अब्दाली फर्क नहीं कर रहा था वही थे क्या, कार्यक्रम कर रहे थे, चलिए ठीक है, माई होम इंडिया मेरा देश मेरा घर है, अगर मेरा घर कमजोर हो जाएगा तो कहाँ जाकर रहूंगा मैं? अरे चौहान साहब इनसे ये पूछिए, चौहान साहब इन मुफ्ती से पूछिए, जहाँ हिंदू और सिख का कत्ल हुआ है, इन्होंने कोई प्रदर्शन किया है क्या? आतंकवादियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ इन्होंने कोई प्रदर्शन किया? वहाँ प्रदर्शन नहीं होता है, वहाँ प्रदर्शन नहीं होता है, अगर एक आतंकी मर जाता है तो लाखों की भीड़ कश्मीर में दिखती है, लाखों की भीड़ कश्मीर में दिखती है। शमूम साहब इन्होंने, मैं ये कहता हूँ अगर ये मुफ्ती मुख्यधारा से जोड़ना है और यही सरकार कर रही है, कैसे जोड़ेंगे आप, गोली मार मार के तो एक धारा को ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो सुनिए शमूम साहब ठीक है, मैं तो 2016 की बात कर रहा हूँ, ठीक है शमूम साहब, अभी आपने कहा कि आप देहरादून में कार्यक्रम कर रहे थे, ठीक है शमूम साहब अरे सवाल ले लीजिए, स्पीच नहीं चल रही है, सुनिए ठीक है शमूम साहब एक बात सुनिए, एक सवाल ले लीजिए, पिंकी जी आप पर आ रहा हूँ, शमूम साहब ठीक है, शमूम साहब एक सवाल ले लीजिए, आप कह रहे हैं आप देहरादून में कार्यक्रम करते हैं, आप हरिद्वार में कार्यक्रम करते हैं, आप उत्तराखंड में कार्यक्रम करते हैं, शमूम साहब सुनिए, आप देहरादून में कार्यक्रम करते हैं, उत्तराखंड में कार्यक्रम करते हैं, हरिद्वार में कार्यक्रम करते हैं उसी राज्य के, ये बताइए आपने कश्मीर में 5 लोगों की हत्या हो गई, विरोध मार्च निकाला मैंने अभी एक बात बताइए, देखिए आप मैंने अभी नहीं नहीं अटकिए मत, हिचकिचाइए मत, विरोध मार्च निकाला, आप जहां से ताल्लुक रखते हैं वहां पर 5 लोगों की हत्या हो गई, विरोध मार्च निकाला भाई, अरे भाई आप एक भाई भाई नहीं, विरोध मार्च निकाला, सारी दुनिया देख रही है, मैं विरोध कर रहा हूँ, कहाँ बैठ के विरोध कर रहे हैं, ट्विटर पर विरोध कर रहे हैं। चौहान साहब मैं इनसे एक बात कहनी चाहूंगा जी, आप मुफ्ती जी सुनिए, आप इनसे ये कहिए इंद्रेश जी के साथ ये कार्यक्रम में जा सकते हैं, इन्हें कहिए कश्मीर में जाकर के एक ऐसा संदेश दें और कहें कि ये हिंदू हमारे भाई हैं, और वहां जाके एक सम्मेलन करें, वहां जाके कहें ये इनकी कारनी और कथनी में अंतर है, ये वापस कैसे आ पाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप भी आमंत्रित है उसमें, आप आइएगा, अरे तुम करना तुम आतंकवादियों के जिहादियों के खिलाफ एक आंदोलन करना, मैं आपके साथ आऊंगा आपके साथ, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मैं देखूंगा, ठीक है आप दोनों का हो गया, विजय खैरा साहब देहरादून में आप कब, विजय खैरा साहब अच्छी बात है, लेकिन आप जाग जाइए विजय जी, आप उन परिवार से मिलिए, उन्हें ताकत देने का काम करिए, ठीक है आप दोनों लड़िए, ठीक है हो गया, तथ्यों पर बहस होगी, विजय खैरा साहब और अरबिक तौर से हम दोनों से, विजय खैरा साहब वोट बटोर लिए, वोट को बटोर लिए, अब देख रहे हैं क्या चल रहा है, भाई बन, मैं भाई बनाऊंगा, मैं आतंकवादियों को जिहादियों को अपना भाई, यही तो आप चाहते हैं, मैं नहीं मानता, हिंदू मुसलमान ऐसे लड़ते रहे और आपके वोटर्स बढ़ते रहे, हिंदू को कत्लेआम करने की बात करता, वो हमारा भाई नहीं हो सकता, नहीं मैं जिहादी मानता ही नहीं हूँ, वो जिहादी है ही नहीं, जिहादी कौन जिहादी नहीं है भाई, उनके खिलाफ वो तो टेररिस्ट है, आप उन्हें जिहादी क्यों कह रहे हैं, आप इन्हें टेररिस्ट जितने जिहादी, देखिए
जेहादी मानसिकता, लव जेहाद, विजय खेरा साहब से बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए, रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। विजय खेरा साहब, जेहाद आप कर रहे हो, देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है देश का, जेहाद का मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का, जेहाद का राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, उन्हें आप उन्हें उन्हें अरे जिहाद की पाठशाला बाद में चलाएंगे, रुकिए जरा शमन साहब, रुकिए। अरे यही तो आप चाहते हैं, हिंदू मुसलमान ऐसे ही लड़ता रहे, मुझे आपका नाम लेने की अभी बहस हो रही है, आप फोन करके पूछ लीजिएगा कि उन लोगों ने, अरे आप दोनों लोग नहीं है, और भी लोग हैं, विजय खैरा साहब भी है, सब देख रहे हैं मुस्कुराते हुए। विजय खैरा साहब अब आप आइए, आपसे डिबेट खोल रहा हूँ। ये बताइए विजय खैरा साहब, देख रहे हैं सब कुछ आपकी आंखों के सामने, लोगों के मन में अभी थोड़े दिनों पहले ही ख्याल आया था कि तालिबान ने जो कुछ अफगानिस्तान में किया है वही कुछ कश्मीर में देखने को मिले, क्योंकि 90 के दशक में बहुत झेला ही देश, बहुत जख्म लिए, बहुत दंश झेले, और उसकी सिसकियां आज भी सुनाई देती हैं। तो आप ये बताइए कि आपने जो मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे कि कश्मीर में उत्तर प्रदेश का बालक भी जाकर रह सकता है, ननकू भी रहेगा, रज्जाक भी रहेगा, सब साथ में रहेंगे, ये क्या हो रहा है? आपसे पहले मेरा निवेदन है, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके हाथ बीच में बिल्कुल बोलूंगा अगर आप कुछ गलत बोलेंगे। सुनिए मेरी बात, 90 के दशक की कहानियां नहीं सुनाएंगे आप, अभी की बात करेंगे। आपने तीन सवाल के नहीं, आप जैसे लगता है हम आपके विरोध में बोल रहे हैं, आप फट से हमें बोलने नहीं देते हैं, ये ठीक बात नहीं है। नहीं ठीक है, सेंसिटिव मैटर है, मैं इसमें आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा इस तरह। आप मेरी बात सुनो फिर सवाल करिए। आपने एक प्रश्न किया तालिबान का, एक एक करके सुनिए। आपने पिंकी चौधरी साहब ध्यान से सुनिएगा, आप बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए, आप मेरी तरफ से बीजेपी से भी बोल लीजिए, आप बोलने देते नहीं किसी को, दो मिनट दीजिए, सही है, टैंकर है, ठीक है, लेकिन हमें बोलने दीजिए। आपने तालिबान का सवाल उठाया है, बिल्कुल ठीक कहा, जो तालिबान में हालत है वो हालत नहीं होने दिए ना हमने, वही तो मैं कह रहा हूँ, यही बात समझने की है। आज जो तालिबान में हो गया है वो कश्मीर में हो रहा था और अब पूरी उसकी पूरा हो जाता आज, अगर उसे 370 से रोका न जाता तो हिंदुस्तान का हिस्सा आज किसी और के कब्जे में होता। 27 साल में जो दुर्गति हुई है कश्मीर में लोगों की, वो आपके सामने अभी चौधरी साहब ने बयान की है, और ऊपर से समूह साहब ने भी ये कहा कि राजनीतिक लोग ये काम कर रहे थे, तो आपने ये कह दिया कि समूह साहब आपकी समझ कमजोर है, ये भाषा है आपकी, उन्होंने कोई बात अपनी कही तो आपने कहा समूह साहब आपकी समझ कमजोर है, क्योंकि आप उस साइड बैठे हैं तो आप किसी भी तरफ बोलेंगे, ये नहीं बोलना चाहिए आपको। ठीक है, मैं बोलता हूं, बोला है, और क्योंकि ये प्रमाणित है। एक मिनट, आप कुछ गलत, आप कुछ गलत समझ गए, ठीक है, इसलिए आपको सुधारता हूँ, आप कुछ गलत समझ गए इसलिए आपको सुधारता हूँ। आप सुनिए मेरी बात, विजय खैरा साहब, मैंने शमूम साहब के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, खैरा साहब सुनिए, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, खैरा साहब रुकिए, मैं खाली इसलिए कह रहा, अब आप पूछिए हमसे। ठीक है खैरा साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो समझा वो ठीक नहीं है, मैंने शमूम साहब के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, मैं दरअसल ये कह रहा था कि कौन से वो लड़के हैं, कौन से वो युवा हैं जो इतनी आसानी से बहकावे में आ जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं धर्म के नाम पर, उनकी सोच कमजोर कितनी। ठीक है, मैं ये आपका जवाब देते हैं। हाँ, ये ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए भगत सिंह ने अपने आप को स्वीकार करके अपने आप को और अपनी बहुत निहायती बहुत गैर जिम्मेदाराना, आप जो बोलने वाले हैं उसके लिए पहले आपको रोक देता हूं, भगत सिंह से कैसे कंपेयर कर लेंगे आप, क्या क्या बात कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस मेरा, क्या बात कर रहे हैं, आपने सुना नहीं और आपने कंपेयर कर दिया, आपने भगत सिंह का नाम यहाँ पर कैसे लिया, आपने भगत सिंह का नाम यहाँ पर कैसे लिया, जिहादी मानसिकता के लोग जो आतंक फैला रहे हैं उनकी चर्चा उनकी बहस, भगत सिंह का नाम आप कैसे ले सकते हैं, ऐसे लोग आप बोल लो, मैं कह रहा हूँ मुझे सेंटेंस तो पूरा करने दीजिए, मैं क्या कह रहा था, करिए, मैं कह रहा था ऐसा जो जुनून था हम लोगों को आजादी का और जान देते थे लोग बात, इसी तरह उन लोगों को बहकाया गया धर्म के नाम पर, मेरी बिल्कुल, आप चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए, आप हाँ, क्या बात कर रहे हैं, फिर आप वही बात कर रहे हैं, आजादी का जुनून था, आप भगत सिंह के साथ इन लोगों की कैसे तुलना कर सकते हैं, आप बीजेपी से हैं, एक बार वेरीफाई करिए खुद, एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, खैरा साहब एक मिनट रुकिए, विजय खैरा साहब एक मिनट रुकिए, विजय खैरा साहब आप एक मिनट रुकिए, अब आप नहीं बोलिए, इनकी आवाज कम करिए, इनकी आवाज डाउन करिए, आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब आपको मंच मिला है, आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, रुकिए एक मिनट, आप क्या बकवास कर रहे हैं, भगत सिंह की तुलना आप कैसे जिहादी इन आतंकियों के साथ कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, आप बिल्कुल चुप हो जाइए, आप बिल्कुल चुप हो जाइए, खैरा साहब हमारी बात को पूरी नहीं, भगत सिंह की तुलना आप किनसे कर रहे हैं, आपको कुछ पता भी है,
आप ये चाहते हैं कि हम ये बोलें, भगत सिंह एक रिवॉल्यूशनरी था जिसने इस पूरे देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान दिया। इस तरह के सवाल जवाब जिस देश ने, जिन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया उनको भगाने में हमारे भगत सिंह ने योगदान दिया है। आप किनसे तुलना कर रहे हैं उनकी? हम तुलना नहीं कर रहे, तुलना आप कर रहे हैं। आपने कैसे बोल दिया कि आजादी का इतना जुनून सवार था? आप कुछ भी बोलो। आपने क्या पढ़ा है? आपने क्या पढ़ा है? मैंने ये समस्या यही है, दरअसल समस्या ये। रुकिए विजय खेरा साहब, पिंकी चौधरी साहब आप पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा। नहीं रुकिए, अब आप रुकिए। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं भगत सिंह को? आप बिल्कुल, आपको मंच नहीं मिलेगा इस चीज को करने के लिए, कहने के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बकवास नहीं करेंगे। आप रुकिए, कंपेयर तो आप कर रहे हो। आप कैसे कर सकते हैं आजादी का जुलूम था? बात घुमाना है, आजादी का जुलूम था कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पिंकी चौधरी साहब नाम था, ठीक है। रुकिए, आप ठंडा पानी पीजिए, पानी पीजिए। रुकिए, आप कुछ नहीं बोल रहे। धर्म के नाम पर चढ़ाया जा रहा है, जो अपनी जान पर खेल रहे हैं वो रोकने के लिए राजनीतिक लोग नहीं काम खेल रहे हैं, उसी के लिए 370 हम लेके आए। हम उन को जो बहक गए हैं उन्हें समझा रहे हैं। बहका कोई नहीं है, धारा में ला रहे हैं। इलाज सिर्फ गोली है, यही मैंने कहा। बहका नहीं है, मास्टर साहब का लड़का नहीं है, बहक गया है। मास्टर साहब का लड़का नहीं है, बहक गया है। चार लड़कों के साथ घूम रहा है, जो थप्पड़ मारकर सुधार लेंगे। नहीं रुकिए, आप बात को पिंकी चौधरी साहब पर आऊंगा, ठीक है? पिंकी चौधरी साहब पर आऊंगा। मैं अगर ये बोलता हूँ, गांधी जी ने ये कहा था और ऐसा हो गया, सबको अच्छा आप गांधी जी को इससे जोड़ रहे हैं। अरे मैं तो पूरी बात कर रहा था कि लोगों ने जिस समय जिस तरह देश के लिए आजादी में जान दी, उस तरह इनको गुमराह किया जा रहा है कि आपकी आजादी है। ये धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा था। भगत सिंह से कहा गया, भगत सिंह से कहा गया कि तुम सिख हो, गैर सिखों को गोली मार दो। भगत सिंह से कहा गया कि तुम सिख हो, गैर सिखों को गोली मार दो। सेंटेंस करने से पहले तुलना 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 शुरू कर दिया, ये तो बात ठीक नहीं है। आपकी भी बात ठीक नहीं है, ठीक है? चलिए पिंकी चौधरी साहब पर आता हूँ, ठीक है? पिंकी चौधरी साहब पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह देता हूँ। दरअसल आज की समस्या क्या है, आज के दौर की समस्या ये है कि आपने गांधी का भी जिक्र किया, एक आज के दौर की समस्या ये है कि गांधी के बारे में बोलना हर किसी को है, गांधी के खिलाफ बोलना हर किसी को है, गांधी के समर्थन में बोलना हर किसी को है। पढ़ना किसी को नहीं है, समझना किसी को नहीं है। वो युवक जिसको फूंक मार के भी वो 10-15 किलोमीटर पीछे चला जाए, उसको भी बड़ा चढ़ाकर बताता है नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, गांधी के बारे में हर कोई प्रपंच कर रहा है। समझदारी की बात नहीं है, हर कोई प्रपंच कर रहा है, किसी भी चीज को कहीं से भी जोड़ रहा है। बिल्कुल सही, ठीक है? पिंकी चौधरी साहब, अब आप पर आऊंगा, आपके साथ ये जो बाजू वाली खिड़की में बैठे हैं विजय खेरा साहब, ये कह रहे हैं कि भैया इनको जो है भटका दिया गया है, ठीक है? ये कौन सा भटकना है, ये जरा समझाइएगा, मुझे समझ में नहीं आया। ये देखिए शुरू शुरू नहीं, आपकी नहीं देखूंगा, आप रुकिए। पिंकी चौधरी साहब, आप बोलिए। चौधरी साहब बोलेंगे। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कहते हैं ना कि भटके हुए नौजवान, भटके हुए नौजवान, ये भटके हुए नौजवान नहीं है। जो धर्म विशेष पर पथराव करेंगे, फोर्स पर पथराव करेंगे और अपने अंदर केवल एक ही बात रखेंगे कि केवल कश्मीर में इस्लाम ही रहेगा, इस्लाम के अलावा जो भी होगा उसको दिन दहाड़े कत्लेआम कर दिया जाएगा, उसको गोलियों से भून दिया जाएगा, वो भटके हुए नहीं है, वो प्लानिंग के तहत। पिंकी साहब हम और आप कुछ भी कह लें, शमूम साहब कुछ भी कह लें, लेकिन जो देश, जो पार्टी इस देश पर सत्ता में काबिज है, उन्हीं के नुमाइंदे यहां बैठे हुए हैं। बीजेपी नेता विजय खेरा साहब कह रहे हैं कि जैसे भगत सिंह के अंदर जुनून था आजादी का, वैसे ही इन लोगों को, वैसे ही सपने दिखाकर इन लोगों को प्लांट किया जाता है, खड़ा किया जाता है। ये कौन सी समानता है भाई? भगत सिंह जिसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। ये तो आप मेरी बात एक समझिए, ये तो जेहादी जो है, आतंकवादी जो है, ये केवल और केवल तैयार किए जा रहे हैं और केवल नॉन मुस्लिम को मारने के लिए जेहादी तैयार किए जा रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। कहां पर तैयार हो रहे हैं? कश्मीर से कल ये फैक्ट्री कहां है इनकी? पाकिस्तान तैयार कर रहा है। पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो फंडिंग कर रहे हैं कश्मीर को हमारे भारत से अलग करने की। इनकी इनका षड्यंत्र है, बहुत गहरा षड्यंत्र है, और ये लोग केवल और केवल, इनका एक मकसद है पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना। ये किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं? हम लोग एक एक दो दो बच्चे की बात करते हैं, ये 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करते हैं। वहां नहीं जाएंगे, इस्लाम का प्रचार फैलाना चाहते हैं, गलत है। ठीक है शमूम साहब, ये बताइए शमूम साहब, पिंकी चौधरी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये आतंकी जो बनाए जा रहे हैं, वहां पर फैक्ट्रियां हैं आतंकियों की, वहां से बनाकर बड़े कर
पूरी पढ़ाई लिखाई इनकी कराकर आतंकी ट्रेनिंग देकर इनको कश्मीर में भेजा जाता है ताकि वहां पर जाकर एक धर्म विशेष का झंडा बुलंद करें और उस धर्म से जो लोग ताल्लुक नहीं रखते उनको मार दिया जाए। हिंदू हैं भारी संख्या में, वहां गोलियां चलाकर उनको मारने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू के मन में खौफ पैदा करने का काम कर रहे हैं। और ये आतंकवादी, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, जैसे तालिबान में इन लोगों ने कितना वहशीपन किया है, आप ये देखें किस तरीके से। और तालिबान ने तो कहा था इलाज क्या है इसका, इलाज बांधने का तरीका क्या है, कश्मीर में करेंगे। ठीक है, इलाज कैसे बांधेंगे, कश्मीर में भी ये करेंगे। और इन्होंने करके दिखाया है इन्होंने भाई, इसका इलाज क्या है पिंकी चौधरी साहब? इसका इलाज जो भी अपने अंदर एक एक समुदाय विशेष को समाप्त करने की बात करते हैं, उन सबको सीधा लाइन में लगा करके उनको खत्म कर देना चाहिए। आतंकवाद की जड़ समाप्त होनी चाहिए हमारे देश से। वैसे तो आतंकवाद की जड़ पूरे दुनिया से समाप्त होनी चाहिए। आतंकवादियों का कोई नहीं है ये कि वो चाहें कि आतंकवादी की केवल एक मंशा होगी कि हिंदू को कत्लेआम करेंगे और सिखों को कत्लेआम करेंगे, जो नॉन मुस्लिम है सभी को मार देंगे और केवल जेहाद फैलाएंगे। ये काम हमारे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। ठीक है शमूम साहब, ये जो आतंकियों की जो ट्रेनिंग चल रही है पाकिस्तान से चल रही है, इसका इलाज क्या है? देखिए आपको बताया, उसका इलाज वही है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और उन्होंने जो पॉलिटिकली तौर से अपनी इमेज पूरी दुनिया में बनाई है, पूरे देश का जो सर ऊंचा किया है। आप अगर चौहान साहब इन बातों को देखें, और जो अभी विजय भाई जो कह रहे थे वही चीज कश्मीर में होनी चाहिए और वो हो रही है। आप जरा थोड़ा सा देखिए, मैंने पहले कहा था कि वहां जो है हमारे जो LG हैं मनोज सिन्हा जी, वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं और उन्होंने उसे संभाला है। और जैसे अभी आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगता, ठीक है शमूम साहब, आप इतनी अच्छी शानदार बातें कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको भी वहां पर जाकर कार्यक्रम करते हुए लोगों को समझाने की कुछ कोशिश करनी चाहिए? अरे मेरी आप सुन तो लो यार, मैं आपको एक बात बता रहा, अभी मैंने एक उदाहरण दिया आपको, मैंने ये कहा 5 MLA हमारे कहने से निकले, आप में कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, उधर आप फोन मिला लो, आप फोन मिला लो जसरोडिया जी को, और मैं वहां 15 दिन ठहरा था। मैंने ये कहा मुसलमानों से कि भाई ये बताओ इन मुसलमानों ने तुम्हें क्या दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो मैंने कहा ये जो आदमी आपके साथ है, मैंने शक्ति परिहार का हाथ पकड़ कर कहा कि आप हमें आंदोलनकारी समझते हैं कि हाँ, कि अगर इन्होंने तुम्हारे जायज काम नहीं किए तो हम आके धरना देंगे और तुम्हारे जायज काम कराएंगे। तो मुसलमानों की समझ में आया, और मैं हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हमारा देश इतना प्यारा है, हमारी परंपराएं है, अनेकता में एकता हमारी चलिए ठीक है, अनेकता में एकता है, देश बहुत प्यारा है। ठीक है ठीक है, लास्ट कमेंट आप सबसे रहेगा, लास्ट कमेंट ठीक है, बहुत शानदार। मैंने स्वामी रामदेव जी के साथ में बैठ के कहा, जब योग किया इन्होंने योग की मुखालफत की, मैंने योग को आकर के कहा कि नहीं योग से सबको फायदा देगा। ठीक है शमूम साहब, ठीक है शमूम साहब, पिंकी चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हमारे देश में तो अनेकता में एकता है, कुछ लोग हैं जो देश में गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी तो हमारे देश में अनेकता में एकता है, शमूम साहब कह रहे हैं। ठीक है पिंकी चौधरी साहब को बोले दीजिए, शमूम साहब रुकिए आप, ठीक है बोलिए। सुनिए जरा चौहान साहब, एक मिनट सुनिए जरा, मैंने कहा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, किसी मुसलमान ने मुखालफत नहीं की। आज हाईकोर्ट ने जब ये कहा कि उसका वो उपयोगी है, और क्यों कहा था, लॉजिकल, उसने हमारे बच्चों को कुपोषित होने से बचाया, लॉजिकल हमारी माँ है, हमारे बच्चों को जिन माओ को दूध नहीं उतरता उस माओ को आप गाय का दूध पिलाइए। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं आप, पिंकी चौधरी साहब पर आऊंगा। पैगंबर साहब यानी ईश्वर दूध ने यह कहा कि इसका दूध पियो उसमें शिफा है, इसका 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 मीट मत खाओ उसमें बीमारी है। अरे जब कोई बताता ही नहीं है, आप जैसे लोग उस मैसेज को पहुंचाओ ना आगे, आप जैसे लोगों की संख्या कम है, मैं शमूम साहब दिक्कत ये शमूम साहब परेशानी ये है, दिक्कत ये है कि आप लोगों की संख्या कम है, आप आपकी इतनी अच्छी सोच, इतनी शानदार आपकी सोच है, आपकी संख्या कम है, समस्या यहाँ है। पिंकी चौधरी साहब अपने योग के बारे में कहा, लोगों ने योग के बारे में उनका भरम खत्म किया। पिंकी चौधरी साहब ये तो आप ही की जुबानी बोल रहे हैं, शमूम साहब समस्या कहाँ है? मैंने अभी कहा और मैंने पिंकी चौधरी को मैंने इनवाइट किया। अरे कौन सी चाबी लग गई, रुकिए एक मिनट शमूम साहब, प्रोग्राम करेंगे शमूम साहब, रुकिए। सरदम एकता संघ जो है हमारा, ठीक है, उसी के बैनर पे प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है और अभी अरे ठीक है भैया, ठीक है शमूम साहब समझ गया मैं, शमूम साहब समझ गया मैं, शमूम साहब समझ गया, ठीक है शमूम साहब समझ गया मैं। पिंकी चौधरी साहब, पिंकी चौधरी साहब, पिंकी चौधरी साहब जो कुछ आप लोग बोलते हैं वही जुबानी तो बोल रहे हैं शमूम साहब,
भाई नहीं नहीं मैं ईमानदारी के साथ बात बोल रहा हूँ। चौहान मेरे साहब दिल में मेरे मन में देखिए हमारी जो परवरिश हुई है ना आपको बताएं चौहान साहब मेरे मेरे चाचा थे राम सिंह चौहान। हम जब बड़े हुए तो हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे चाचा राजवीर चौहान। जब हम बड़े हुए तो पता चला हमारे चाचा तो हिंदू है। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने हमसे कहा आप हमारी परंपराओं को देखिए ना। अब आप नहीं नहीं मेरा ये मानना है कि भारतीय जो हिंदुस्तानी है वो हर कोई हिंदू संस्कृति से ही तालमेल रखता है। ठीक है आप उस पर नहीं जाएंगे। चलिए अब ठीक है आप रुकिए शमूम साहब आप रुकिए। ठीक है आप बोल लीजिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया आप ऐसे हालात बनाओ कि ये जो ये कैसे बनेंगे आप लोग कहाँ बनने दे रहे हैं। रुकिए पिंकी चौधरी साहब पर आएंगे। देखिए शमूम साहब आप रुकिए शमूम साहब रुकिए पिंकी चौधरी साहब बोल लीजिए क्या कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं अनेकता में एकता है आप ही की तो वाणी बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है गाय को राष्ट्र पशु घोषित करवाना चाहते हैं आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं जो कुछ आप चाहते हैं वही शमूम साहब चाहते हैं। गले मिलकर क्यों नहीं काम कर लेते। अरे शमूम साहब आप रुकने का नहीं ले रहे। रुकिए अरे अब रुकू कैसे आपने तो आप ही बोल के चले जा रहे थे यार। नहीं नहीं भाई बहुत शानदार बोले बहुत शानदार बोले। ठीक है पिंकी चौधरी चौहान साहब। हाँ चौहान साहब आज इनका आप किन चौहान साहब को पुकार रहे हैं मुझे या फिर शमूम साहब के चाचा जान को। खून निकल के आया इनके अंदर से। ये अपनी पहचान ही नहीं ये अपनी पहचान जो है आज इन्होंने उजागर की है। अगर यही पहचान अगर ये लोग यही पहचान पूरे हिंदुस्तान में कायम करें तो कोई आतंकवादी नहीं होगा। आपको पता पिंकी चौधरी साहब हिंदू एक धर्म नहीं है। हिंदू जो है वो जीने का सलीका है जीने का तरीका है। ठीक है समय समाप्त हो गया इसलिए रुकूंगा पिंकी चौधरी साहब। हिंदू जो है वो धर्म से पहले जीने का सलीका है। ठीक है इसलिए हिंदुस्तान के ज्योग्राफिकल लैंड के अंदर जो भी लोग रहते हैं इस पूरी सीमाओं के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो सभी हिंदू ही हैं। तो फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारा साथ देने के लिए हमसे जुड़ने के लिए हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आज का जो कार्यक्रम था वो इसी बात पर था कि कश्मीर आखिर बदला तो कितना बदला और बदला तो क्या ठीक हुआ और ठीक हुआ तो फिर कितना ठीक हुआ। क्योंकि अगर इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी तो जो खाई है दो धर्मों के बीच की वो यूं ही बढ़ती रहेगी। इसको लेकर सरकार क्या काम कर रही है इसको लेकर सियासतदान क्या कुछ कर रहे हैं और इसको लेकर कैसे हम इन आतंकवादियों को रोकने में कामयाब हो पाएंगे इसको लेकर ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ आज आपको छोड़कर जाता हूँ। कल एक बार फिर सत्ता का संग्राम में आपसे मुलाकात होगी और खूब बात होगी। तब तक आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।